यार मुझे ये बताओ मैं शॉट कितनी जोर से मार सकता हूँ? जितनी जोर से तुम मारना चाहते हो यार, सामने ऑडियंस बैठी है, मैं अपनी ऑडियंस, अगर ऑडियंस को लग गई तो 5,000 रुपए ऑडियंस को देने पड़ेंगे, ठीक है? किसको? स्क्रीन को लग गई मुझे देने पड़ेंगे, बिल्कुल। ये तो गलत बात है। तो आप लोग तैयार हो जाए, जिसको भी बॉल लगे फौरन से खड़ा हो जाए और इससे पैसे लेकर। अच्छा, जिसने भी मेरा कैच पकड़ा ना उसको फहद भाई 5,000 रुपए देंगे। फहद भाई क्यों देंगे? मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा सवाल पहला सवाल, अच्छा साथ साथ में सवालों के जवाब भी देने हैं। एक सेकंड मैं रेडी यार, एक भाई ठीक है, साथ साथ में सवालों के जवाब भी देने हैं। शाबिर रेडी हैं आप? शुरू करें। रेडी रेडी भाई। सबसे पहला सवाल है, फेमस होने के बाद किस चीज का ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है? लुक्स का, फेम का, या फिर इनकम टैक्स वालों? अरे नाइस, गुड शॉट। सॉरी यार, अच्छा खेल रहा लड़का। सॉरी दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड। लुक्स का, फेम का, या फिर इनकम टैक्स का? इनकम टैक्स का वेरी नाइस। इनमें से किसका चैनल सब्सक्राइब नहीं करूंगा? मास सफदर, मोमिन अली मुंशी, या फिर नासिर खान जान? यार नासिर खान जान का तो चैनल है भी नहीं, तो उसका मत। यानी कि इन्होंने सर्च किया था, नहीं मिला। नहीं, लेकिन नासिर खान जान बहुत अच्छा बंदा है। हमने कब कहा कि बुरा बंदा? हम ऐसा कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, भाई ताली होनी चाहिए नासिर खान जान के लिए। अच्छा भाई, YouTube पे व्यूज बढ़ाने का आसान तरीका क्या है? फेक लड़ाई करके, सेलिब्रिटी को रोस्ट करके, या फिर कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल बात करके? फेक लड़ाई करके ऑलवेज वर्क्स। किसको लगी? सो सॉरी, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए बेटा, ये फाद भाई से आपने 5,000 रुपए लिए। 5,000 हो गए हैं आपकी तरफ। ये इसको इनकम टैक्स के मसले पड़े हुए, पैसे बहुत है इसके पास, ठीक है। हाँ भाई, अगला सवाल है। अच्छा, तुमने कहा फेक लड़ाई करके, तो लड़ाई किससे कभी फेक की तुमने? नहीं, मैंने नहीं की। बड़े तुम कोई कमाल चल रहे हो, क्यों नहीं की? आफ्टर द शो बताऊंगा किस किस से की। ठीक है। इनमें से किसका कंटेंट बहुत बुरा है? जुनैद अकरम, जायद अली, या फिर नादिर अली? सेकंड कौन था? जैद है मेरे ख्याल से, जैद अली वो वाला। जैद अली तुम्हारा दोस्त? जैद अली टीम मेरा दोस्त है, उसका बहुत गंदा कंटेंट है। उसका बहुत गंदा कंटेंट है, वो समझ जाएगा भाई। जैद अली आपका बहुत ही बुरा कंटेंट है। बट आई लव जैद। अगर किसी के व्यूज कम करने हो तो फिर? अरे 5,000 छोड़ दिया आपने। कैसे छोड़े? बैठे हाथ बांधे हुए और बॉल आ रही है। आप लोग रेडी रहे खोलने की? फहद भाई से मैं दिलवा के दूंगा। फहद भाई से आप लोग जोया देगी भाई। सवाल, अगर किसी के व्यूज कम करने हो तो क्या करोगे भाई? सवाल का जवाब, अगर किसी के व्यूज कम करने हो तो क्या करूंगा? उसका अकाउंट हैक कर लूंगा, अपने फैंस को बोलकर रिपोर्ट करवाऊंगा, या फिर साइबर क्राइम में शिकायत कर देंगे? इनमें से कोई भी तरीका व्यूज कम करने वाला नहीं है भाई। व्यूज अगर आने हैं तो फिर आने ही हैं, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। क्या अच्छी बात। अच्छा भाई, अपने बारे में इनमें से कौन सा र्यूमर सुना है? कनाडा से फ्रॉड करके भागा है, सुन रहे हो ना? शादियां की हुई हैं दो दो, या फिर बहुत सारे लव अफेयर्स हैं? इनमें से कौन सा र्यूमर सच है? आपने सुना है अपने बारे सुना है? हाँ। कि इसके बहुत ज्यादा लव अफेयर्स, इसके बहुत ज्यादा लव अफेयर्स है भाई। वाह क्या बात है, वेरी गुड। इनमें से किस एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करूंगा? हानिया आमिर, सायरा यूसुफ, या फिर सजल? Honestly, I would work with all three. But वो नहीं करेंगी ना? हाँ, ये वो अलग बात है, वो उनसे आपको पूछता है। ठीक है। Okay. भाई ज्यादा देर तक किस चीज़? भाई क्या मसला है? सवाल, भाई ज्यादा डर किस चीज से लगता है? बेगम से, स्क्रीनशॉट्स लीक होने से, या फिर फॉलोअर्स कम होने से? स्क्रीनशॉट लीक होने से सब सच्चा आदमी है भाई, अच्छे जवाब दे रहा है। अगर कभी कार्टून कैरेक्टर करने का मौका मिले तो कौन सा? ये तो कौन सा कैरेक्टर करेंगे? मिकी माउस, बग्स बनी, या फिर पॉपॉय? मिकी माउस। तालियां चाहिए शाबिर के लिए। शाबिर बहुत अच्छा खेले आप, वेरी वेल डन। हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, कहीं जाएंगे मतलब फोर्थ एंपायर शो, विल बी राइट बैक जी।